नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फायदेमंद है। ये जो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चंस और आंसर को हम लोग देखते जाएंगे और उसके बारे में विस्तार से हम लोग समझते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, नौकरी या काम होना क्या है? तो नौकरी या काम होना क्या है, यह एक रोजगार है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट, डैश ज्ञात करने की क्षमता है, क्या करने की क्षमता है? तो कौशल करने की क्षमता है। ज्ञान तो करने की क्षमता हो नहीं सकता है, अनुभव भी करने का चीज नहीं है, ठीक है? तो कौशल है जो कुछ भी चीज करने की उसकी क्षमता होती है। नेक्स्ट सवाल है, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा डैश तैयार रहता है। जो विकास मानसिकता वाला व्यक्ति है वह किसके लिए तैयार रहता है, ठीक है? ये चीज आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बढ़ो, बदलो और सीखो। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। जिसकी भी मानसिकता जो है विकासात्मक होती है वो क्या सोचता है? वो सोचता है बढ़ो, बदलो और सीखते रहो। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है, डैश नौकरियों को पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हो, जो 5 वर्षों में नौकरी पुरानी हो गई हो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है एसटीडी, बूथ कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट सवाल है, 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करती है, क्या 21वीं सदी में आपके कार्यस्थल में कौशल आपको रोजगार पाने में जो मदद करती है ये कौन सा चीज होगा, क्या कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है, ठीक है? जॉब मार्केट क्या होता है? बदलता रहता है। नेक्स्ट, जो नैतिकता का अर्थ है वह क्या है? नैतिकता मतलब क्या होता है? नैतिकता मतलब होता है तय किए गए मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये अगर आप जान लेते हैं कि मानव के लिए क्या सही है क्या गलत है, वही आपकी नैतिकता कहलाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। मान क्या है? 7वां नंबर है कि मान जो है उसको किसको कहेंगे, मान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं मान के नाम से हम लोग जानते हैं। आपका भी अगर मान हो रहा है तो इसका मतलब जो आप किए हैं, जो काम किए हैं उससे आपको प्रेरणा मिल रही है, प्रेरित किया जा रहा है, उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम लोग मान कहेंगे। नेक्स्ट सवाल, संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। जो संविधान में जो उद्देश्य और सिद्धांत है संक्षिप्त विवरण है वह किस में है? पाठ्यक्रम में है, मापन में है, इकाई में है या प्रस्तावना में? तो आप बचपन से प्रस्तावना जो है स्कूल में बोलते आ रहे हैं उसी में संविधान का सारांश दिया हुआ है, संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है प्रस्तावना में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है? नेक्स्ट, जो स्क्रीन पर आपके सवाल हैं,
अनुचित पद को पहचानिए। अनुचित पद, जो पद हैं वो अनुचित हैं, क्या है? हरित प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो इसमें सभी आप देख रहे हैं कि जल प्रदूषण हो सकता है, वायु प्रदूषण हो सकता है, ध्वनि प्रदूषण हो सकता है, लेकिन हरित प्रदूषण, कोई भी ऐसा प्रदूषण नहीं है जो हरित प्रदूषण होता है, तो अनुचित पद हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट, सभी धर्मों या किसी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है उसको सेकुलर देश कहते हैं। उसको कौन सा सेकुलर देश कहते हैं? जिसमें सभी धर्मों या किसी भी धर्म को जो है समान व्यवहार करते हैं, तो उसे धर्म निरपेक्ष देश कहते हैं, जो मेरा भारत भी एक धर्म निरपेक्ष देश है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, डैश मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होता है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या परिवर्तित होता है? तो मैन्युफैक्चरिंग में उद्योग क्रांति में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई? पहली जो औद्योगिक क्रांति है इसकी शुरुआत कब हुई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। कठिन कौशल क्या है? नेक्स्ट सवाल है कि जो कठिन कौशल है वो किसको कहेंगे? कठिन कौशल 60 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग जो इसकी है, ये एक कठिन टाइपिंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। यहाँ देखिए, दो त्वरित शिक्षार्थी है, ये भी कठिन चीज़ नहीं है। समय प्रबंधन करना, ये भी कठिन चीज़ नहीं है। मौखिक अंग्रेजी, ये भी कठिन चीज़ नहीं है। कठिन चीज़ है कि 60 वर्ड पर मिनट आप टाइप कर लेंगे, ये आपके लिए कठिन है। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए, अपने आप को आप विकसित करेंगे इसके लिए क्या चाहिए? खुद को जानना ही अपने आप को विकसित करना, क्या है? खुद को जानना ही अपने आप को विकसित करना है। तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, खुद को जानना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, समय प्रबंधन क्या है? समय प्रबंधन डैश है, तो समय प्रबंधन क्या है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अपना कार्य समय पर पूरा करना ही समय प्रबंधन कहलाता। नेक्स्ट, एक रिज्यूम डैश होना चाहिए। आप कोई जॉब के लिए रिज्यूम दे रहे हैं, अपना बायोडाटा दे रहे हैं, तो वो बायोडाटा किस प्रकार से होना चाहिए? वो संक्षिप्त होना चाहिए और सरल होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो हम लोग 16 क्वेश्चंस तक देख चुके हैं। नेक्स्ट, किसी कार्य के किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों को जो लिखित विवरण दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? किसी भी जो कार्य करते हैं, कर्तव्य है आपका, उसमें जो लिखित विवरण देते हैं उसको क्या कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो उसको कहा जाता है नौकरी का विवरण। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट, साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है? जब साक्षात्कार कॉल प्राप्त हो तो अगला कदम क्या होना चाहिए? अगला कदम साक्षात्कार में आपको जाना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यों में जो उपयुक्त WH शब्द है उसको आपको चुनना है। डैश एनिमल डू यू लाइक,
डैश एनिमल डू यू लाइक, विच एनिमल डू यू लाइक, वाई एनिमल डू यू लाइक, वेयर एनिमल डू यू लाइक, वेन एनिमल डू यू लाइक। तो आपको सबका मीनिंग जानना होगा, विच मतलब किसका जिसका होता है, वाई मतलब ठीक है क्यों, वेयर मतलब कहाँ, वेन मतलब कब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, विच एनिमल डू यू लाइक, आप किस एनिमल को पसंद करते हैं। नेक्स्ट ठीक है, दिए गए जो रोशन शब्द का सही विराम चिन्ह क्या होगा, जो रोशन शब्द में सही विराम चिन्ह लगता है वो कौन सा विराम चिन्ह सही विराम चिन्ह लगेगा इसके बारे में आपको बताना है। तो अल्प विराम लगता है, ठीक है इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर अल्प विराम, रोशन में जो लगा हुआ है वो अल्प विराम लगेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट सवाल, दिए गए प्रश्न में सही उत्तर चुनना है आपको, हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं, हाउ हैव यू बीन, तो आप क्या बोलेंगे, वेरी वेल ठीक है अच्छे हैं, और आप दोबारा उससे पूछेंगे कि आप कैसे हैं, उसको भी रिप्लाई में पूछना है कि आप कैसे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, वेरी वेल एंड यू उसके बारे में पूछना है जो आपको पूछना है। दिए गए प्रश्न में सही चुनना है आपको, व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, एक्सीडेंट कब हुआ ठीक है, तो इन द होटल, ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग, एट 10:30 लास्ट नाइट, ऑन द टेबल, तो एक्सीडेंट कब हुआ, एट 10:30 लास्ट नाइट। ये ग्रामर का कुछ सवाल है, ग्रामर को आपको समझना पड़ेगा कि ग्रामर जहाँ डिड का प्रयोग हुआ है इसलिए लास्ट नाइट हुआ ठीक है। नेक्स्ट, क्रिया का सही काल चुनो, आई डैश म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो सुना करता था म्यूजिक, तो वही है ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, आई लर्न म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, मैं म्यूजिक सीखा करता था जब मैं बच्चा था ठीक है, तो आई लर्न म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, तो एम लर्निंग नहीं होगा, लर्न नहीं होगा, विल लर्न नहीं होगा, क्योंकि विल लर्न भूतकाल के लिए होता है, एम लर्न अभी जो कर रहे हैं उसके लिए होता है, विल लर्न मतलब बाद में करेंगे हम लोग, तो लर्न होगा जो पहले किया करता था। कैरिकुलम विस्टा को डैश के रूप में जाना जाता है, कैरिकुलम विस्टा को किसके रूप में जाता है, ये जाना जाता है रिज्यूम के रूप में, रिज्यूम को ही कैरिकुलम के नाम से भी जानते हैं, तो कैरिकुलम विस्टा एक रिज्यूम है, रिज्यूम के नाम से भी जाना जाता है, सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, तुलनात्मक विश्लेषण के साथ रिक्त स्थान को भरना है, योर पेंसिल इज डैश देन माइन, आपका पेंसिल मेरे पेंसिल से क्या है, शार्प है, शार्पर है, ब्लंट है, ठीक है, तो क्या है, शार्पर ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन, ठीक है आपका पेंसिल मेरे पेंसिल से शार्प है, ये इसका मीनिंग। नेक्स्ट सवाल, ग्रामर का सवाल है ठीक है, कौन सा भविष्यकाल इसमें भरेगा, वी डैश टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, ठीक है तो वी वेंट टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, वी आर गोइंग टू जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, ठीक है वी हैड गॉन टू जू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, विल, वी विल गो टू जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने के बाद जू जाएंगे ठीक है, तो ये क्या है, ये भूत काल की बात बोल रहा है, तो यहाँ विल गो लगे। नेक्स्ट सवाल, दे डैश गुड फ्रेंड, क्या होगा, दे है तो यहाँ इज लगेगा नहीं, एम लगेगा नहीं, वाज लगेगा नहीं, तो दे आर गुड फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, वे लोग हैं तो वे लोग प्लुरल है, तो प्लुरल में जो है आर लगेगा, दे आर गुड फ्रेंड्स,
ठीक है, वे सब अच्छे फ्रेंड्स। नेक्स्ट, क्रिया का वर्तमान जो प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थानों को आपको पूर्ति करना है। द ट्रेन डैश थ्रू द टनल, तो ट्रेन क्या है, टनल से पास कर रहा है, ठीक है। द ट्रेन क्या हो जाएगा, इज पासिंग थ्रू द टनल, ट्रेन टनल से पास कर रहा है, अभी कर रहा है इसलिए इज पास होगा। अगर पहले पास कर दिया जाता तो हैड पास होता, बाद में पास करता तो वाज पास होता, ठीक है, विल पास होता, तो यहां इज पासिंग होगा। नेक्स्ट, डैश आर डू यू गोइंग, डैश आर यू गोइंग, तो क्या होगा, हु आर यू गोइंग, कौन जा रहे हैं आप, तो ये नहीं होगा, विच नहीं होगा, व्हाट नहीं होगा, क्या होगा, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर मतलब होता है कहाँ, हु मतलब होता है कौन, विच मतलब होता है किसका जिसका, व्हाट मतलब होता है क्या, ठीक है, तो वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है, खाली स्थान को भरना है आपको, आई मेड दिस केक, आई मेड दिस केक, तो आपने बनाया केक, तो किसके लिए बनाएगा, अपने लिए बनाएगा, तो माई सेल्फ, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा माई सेल्फ। अगर आई रहे तो माई सेल्फ, यू रहे तो योर सेल्फ, सी रहे तो हर सेल्फ, ही रहे तो हर सेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है, ही सी तो हर सेल्फ, जिसके लिए जो बना रहा है वो अपने लिए बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ आई बना रहा है, मैं अपने लिए केक बना रहा हूँ, आई मेड दिस केक माई सेल्फ। नेक्स्ट सी है, देखिए सी मेड दिस केक किसके लिए हो जाएगा, हर सेल्फ, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, अगर ही रहता हिम सेल्फ हो जाता। सी हैज हर्ट, सी हैज हर्ट क्या हो जाएगा, हर सेल्फ, सी है यहां तो हर सेल्फ हो जाएगा। नेक्स्ट द लिटिल गर्ल्स डैश आईज, ठीक है, रिबेल्ड हर, ठीक है, मिसचीफ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, टॉकिंग मिसचीफ। 34 नंबर, माई हाउस इज डैश द थर्ड फ्लोर, तो माई हाउस क्या, ऑन द थर्ड फ्लोर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑन, फ्लोर के साथ ऑन लगता है, ऑन द थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर के ऊपर है, ठीक है। अंतिम सवाल है, डैश इज द स्पीकर एट द फंक्शन, ठीक है, डैश इज द स्पीकर, इस फंक्शन में स्पीकर कौन है, बोलने वाला कौन है, तो हु हो जाएगा, कौन मतलब क्या होता है, व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, व्हाई मतलब क्यों, हु मतलब कौन, तो इस फंक्शंस के लिए जो बोलने वाला है वह कौन है, हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन, ठीक है। तो 35 क्वेश्चंस आज हम लोगों ने देखे, नेक्स्ट सवाल को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अंतिम सवाल का जवाब आप देंगे, निम्न स्तर भाषा को क्या कहा जाता है, ये कंप्यूटर का सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए, रेगुलर वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। एक बार पुनः हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।